ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, इन्होंने ही मुझे कहा था चोरी करने को। इसने चोरी करने की वजह बताई? अब तो यही बताएगी। बता दूं? घबरा क्यों रही हो? जैसी दिखती है ना वैसी बिल्कुल नहीं, बहुत बुरी इंसान है ये। कोई अपनी फैमिली में रहकर ऐसे कैसे कर सकता है, बताओ अब। इन्होंने कहा था मुझे चोरी करने को। ए, क्या बकवास कर रहा है? ये क्या बोल रहे हैं आप माँ, ये क्या बोल रहा है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पहले तनु का नाम ले रहे थे, अब मेरी बेटी का नाम ले रहे हो। मैंने इशारा यही किया था, आप सबको लगा मैं इन्हें बोल रहा हूँ। इन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इन्हें ही जानता हूँ। जानते हो? नाम बताओ ना, इसका नाम क्या है बोलो। ये झूठ बोल रहा है। पता है मुझे, आई नो। लेट्स वेट, थोड़ा टाइम में सच और झूठ सब निकलेगा। डैडी ये झूठ क्यों बोलेगा? इसे जो कुछ भी चाहिए था वो आप इसे दे रहे, तो फिर अब झूठ बोल के इसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके रिया, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इसने ये भी कहा था ना कि अभी सच बताने का वक्त नहीं है। ये प्राची का नाम सिर्फ उस इंसान को बचाने के लिए ले रहा है जिसने इससे चोरी करने के लिए कहा था। अगर प्राची ने ये चोरी नहीं करवाई तो फिर तुम बताओ तुमसे किसने कहा ये चोरी करने के लिए? तुम मेरा नाम मत लेना, मैं पुलिस से तुम्हें छुड़वा लूंगी। अगर मेरा नाम लिया ना तुमने तो जो हाल मैंने प्रदीप का किया था ना वही हाल तुम्हारा करूंगी। मिस्टर मेरा, ये रहा वो आदमी। जी इंस्पेक्टर, ये वो आदमी जो हमारे घर पर चोरी करने आया था। कुछ चुराया तो नहीं? चुराया था, लेकिन इसके भागने से पहले हमने इसे पकड़ लिया। अकेला ही था या इसके साथ कोई और है? ये अकेला ही था, और इसने उस इंसान का नाम नहीं बताया जिसके कहने पर ये चोरी करा था। इसके झूठ बोलने की वजह से फिर से सच सामने लाने का मौका हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं, आने में गुंगे भी बोलते हैं। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। प्रज्ञा, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, परसों शादी पे मिलते हैं।